सत श्रीकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का वेलकम है पूनम कौर रेसिपीज़ में। आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी और बहुत टेस्टी सी सिंपल सी उपमा की रेसिपी लाई हूँ, जिसे कोई भी बड़े आसानी से बना सकता है और झटपट बनकर तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच के करीब तेल ले लिया है। जैसे ही हमारा तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, फिर हम उसमें डालेंगे आधा कप मूंगफली यानी कि पीनट्स। इससे जो है ना, उपमा में जो क्रंच आता है ना, वो बहुत ही कमाल का आता है। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर आप इसे चलाते हुए कुक कीजिए, जब तक ये क्रिस्पी क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब आप देख सकते हैं अच्छी तरह से इनका कलर चेंज हो चुका है। तो अब हम इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। साथ ही दोस्तों, आज यहाँ पे मैं 1/4 कप काजू को भी रोस्ट कर रही हूँ। तो काजू बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो करें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं, चाहे तो मूंगफली ले लें, चाहे तो काजू ले लें। अब आप देखिए काजू का भी रंग थोड़ा सा सुनहरा हो गया है, तो अब हम इसे भी बाहर निकाल ले रहे हैं। अब दोस्तों, इस कढ़ाई में आप देख सकते हैं 1 चम्मच के करीब तेल अभी भी बाकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 कप सूजी और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। वैसे अक्सर दोस्तों, जब भी हम उपमा बनाते हैं तो सूजी को ड्राई रोस्ट करते हैं, पर एक बार आप इस तरह से थोड़े से ऑयल में इसे रोस्ट करके देखिए, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बनती है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे रोस्ट कर लिया। इसका कलर ज़्यादा चेंज नहीं होने देंगे, हल्का हल्का सा चेंज हुआ है, बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब हम गैस का फ्लेम बंद करके इसे साइड में रख लेते हैं। अब एक कढ़ाई में फिर से डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच के करीब तेल। अब यहाँ पे दोस्तों, जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, मैंने यहाँ पर कुछ करी लीव्स और आधा छोटा चम्मच राई के दाने ले लिए हैं। अब वो हम इसमें डाल देते हैं। जैसे ही हमारे राई के दाने फूट जाएंगे, फिर हम इसमें डालेंगे 1 प्याज। मैंने 1 प्याज को बारीक टुकड़ों में काट लिया था। अब हम वो प्याज इसमें डाल देते हैं। गैस का फ्लेम आप यहाँ पर लो रखिएगा। हमें प्याज का कलर चेंज नहीं करना है, प्याज को सिर्फ इतना पकाना है कि उसमें आर पार दिखाई दे सके, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट आप कह सकते हैं वैसे हो जाए, मतलब उनका कच्चापन खत्म हो जाए। तो आप 2 से 3 मिनट तक प्याज को धीमी आंच पर पकने दें, अच्छी तरह से प्याज कुक हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं हल्का हल्का सा प्याज का कलर जब चेंज होने लगा है ना, तो मैंने यहाँ पर डाला है हरी मिर्च की पेस्ट। यहाँ पे मैंने एक बड़ी वाली हरी मिर्च को पीस लिया था और वो पेस्ट मैंने इसमें डाल दी है, ताकि जो हमारा उपमा है ना, थोड़ा सा स्पाइसी भी बन सके। और बहुत ज़्यादा स्पाइसी तो इससे नहीं होगा, बट बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो आप चाहें तो हरी मिर्च की पेस्ट डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इसी स्टेज पर मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। नमक से क्या होगा, प्याज जल्दी गल भी जाएंगे और उसका फ्लेवर भी आ जाएगा बढ़िया सा। तो नमक डाल के हमने इसे मिक्स कर लेना है और 1 मिनट वेट करेंगे हम। और उसके बाद जो हमने सूजी भून कर रेडी कर ली थी ना पहले, वो अभी हम इसी स्टेज पर इसमें ऐड कर देंगे। सूजी अभी भी काफ़ी गर्म है और अब हम जो क्या करेंगे, जो चीज़ें हमने प्याज के साथ तड़के वाली बनाई है ना, उसके साथ फिर से इसे 1 से 2 मिनट तक भुनेंगे। दोस्तों, ये नाश्ता बहुत जल्दी बन जाता है, पर अगर आप इस तरह से परफेक्ट टिप्स को फॉलो करके बनाएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। आपका बार बार इसे बनाने का मन करेगा, समय भी बहुत कम लगता है और आजकल लोग हेल्दी खाना भी बहुत पसंद करते हैं, तो उपमा एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट तक मैंने इसे प्याज हरी मिर्च और तड़के के साथ मिक्स कर लिया। अब उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, जिस भी बर्तन से आपने सूजी को मेज़र किया था, उसका डबल आपको पानी डालना है। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी सूजी ली थी, तो मैंने 2 कटोरी पानी डाला है। याद रखें, जितनी सूजी होगी उसका डबल हमें यहाँ पर पानी डालना है। वैसे आप यहाँ पर चाहें तो थोड़े से पानी को चख सकते हैं कि नमक बराबर है या नहीं, पर 1 टीस्पून इतने मेज़रमेंट के लिए काफ़ी है। अब आप लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते रहिए और थोड़ी देर में आप क्या देखेंगे, ये देखिए इस तरह से सूजी जो है बंधने लगेगी। आप देख पा रहे हैं, बर्तन को छोड़ने लगी और बंधने लगी, मतलब थोड़ी थोड़ी जो इसकी थिकनेस है वो सेट होने लग जाएगी। अब जब आप देखें ना कि पानी पूरी तरह से सूख चुका है, उसके बाद ही हम इसमें डालेंगे मूंगफली, थोड़े काजू, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और फिर से 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। सूजी पक गई है, ये आपको कब पता लगेगा, जब सूजी अच्छी तरह से बर्तन को छोड़ देगी ना। आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, जब हम आटा लगाते हैं कैसे सेट हो जाता है, तो वैसे ही जब ये अच्छी तरह से सेट होने लगेगी, बर्तन को छोड़ देगी, इसका मतलब हमारा जो उपमा है वो परफेक्टली बनकर तैयार हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो अब यहाँ पर आप गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए
और ढक्कन लगाकर आप इसे 2 मिनट तक छोड़ दीजिएगा। उससे जो है और अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएगा ये और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। तो बस दोस्तों, बहुत आसान सी रेसिपी, 10 मिनट में आप ये नाश्ता कभी भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताया है और थोड़े थोड़े टिप्स आप इनमें फॉलो कीजिएगा तो आपका फ्लेवर जो है ना रेसिपी का बहुत अच्छे से आएगा। अब मैं नेक्स्ट रेसिपी में आपके साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।